नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं रीनू राज। बात करेंगे खास बजट की। जी हां, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट कई मायनों में काफी अहम है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बजट में इंफ्रा से डिफेंस सेक्टर्स के लिए कुछ ऐलान संभव है। वहीं उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण बजट में मिडिल फैमिली और सैलरीड क्लास के लिए कुछ खास तोहफा दे सकती हैं। आम आदमी की नज़र रोजगार पर होगी और ऐसे में कोई योजना भी लाई जा सकती है जिससे नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। टैक्स छूट, सस्ते मकान, महंगाई को काबू करना, होम लोन वालों के लिए कुछ रियायत पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। तो इस बार बजट में कितनी राहत होगी ये तो देखना ही होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आम आदमी को इससे फ़ायदा होने वाला है, राहत मिलने वाली है। बजट में एग्री क्रेडिट टारगेट बढ़ सकता है, तो वहीं जनता की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। गोल्ड सिल्वर पर ड्यूटी घटाने की मांग की गई है, जनता को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। अब देखना यह है कि उम्मीद पूरी होती है कि नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और किसान को भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, फायदा मिल सकता है। 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख छूट की उम्मीद है टैक्स में। बजट में महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है और आप ये देखें कि महिलाओं के साथ साथ किसानों पर भी जोर दिया गया है। और चलिए अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की स्थिति है, लोग किस तरीके का बजट चाहते हैं, क्या क्या उम्मीदें इस बार के आगामी बजट से होने वाली हैं। सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी, ममता लांजेवार रायपुर से, सुशील कौशिक ग्वालियर से, प्रवीण तंवर हरदा से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो ममता आपके पास आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब जब बजट की बात आती है तो हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है कि हमको कहां कहां से राहत मिल सकती है। आगामी जो कल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं जनता को और किसको ज्यादा राहत की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बजट जो भी होता है वो महिलाएं एक तरह से गृह मंत्री होती है, हर घर में एक गृह मंत्री होती है और उनके ऊपर पूरा दारोमदार होता है कि जो भी चीज़ें होती है आसपास, जो भी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है, जो भी आर्थिक चीज़ें होती है उसको लेकर कैसे वो अपने घर पर मैनेज करती है और एक तरह से कहें कि एक बड़ी रणनीतिकार भी होती है। तो जाहिर तौर पर जब भी बजट आता है तो महिलाएं एक बड़ी भूमिका में होती है, तो उनसे ही हम पूछते हैं कि किस तरह की उम्मीदें जो है इस बजट से उन्होंने लगाकर रखी हैं और उनको उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त हम गढ़कले में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि कल बजट आने वाला है तो बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं? नमस्कार मैडम, ज्योति जंघेल, ग्राम पंचायत की मैं सरपंच हूँ और सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लाया, जिससे महिलाओं के लिए कई क्षेत्रों में नए नए रास्ते खुलेंगे, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जैसे कि आपने बात कही कि कल बजट प्रस्तुत होने वाला है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और वहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं यह चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जहाँ कक्षा 5वीं तक के क्लासेस लग रही है वहाँ कहीं एक टीचर, कहीं दो टीचर है। तो ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि संसाधन बढ़ाया जाए, संसाधन बढ़ाया जाए। और बाकी 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा ये बताइए कि रसोई के लिए आप क्या चाहेंगी? रसोई के लिए, नमस्कार, मैं रसोई के लिए चाहूँगी कि गैस का दाम जो है वो कम से कम 1000 रुपये होने वाले, क्योंकि 20 रुपये ही खाली बचता है 1000 में, तो 500 रुपये होना चाहिए। BPL कार्ड में है, जैसे कि हम लोग उज्ज्वला गैस ले बोलते तो सबके लिए, हर पब्लिक के लिए यही होना चाहिए रसोई गैस। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है हमारे महिलाओं के लिए, थाली जो है उसे, हाँ समझ में आता है कि थाली किस तरह से तैयार होगी। आप बताइए क्या चाहती बजट में? बजट में दीदी ने जैसे कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, तो महंगाई सभी के लिए कम बोले, सरकार को भी उस हिसाब से काम करना चाहिए कि हम सरकार को बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद क्या है ये बताइए, हाँ। क्या उम्मीद है आपको बजट से? कम होना चाहिए गैस का रेट, सभी के लिए 500 रुपये होना चाहिए, तो गैस सिलेंडर जो है उसके रेट बढ़े हुए, रेट एक बड़ी तकलीफ है। आप बताइए क्या चाहती हैं बजट से? मैं भी 500 रुपये ही होना चाहिए इस करके बोल। और इसके अलावा क्या चाहती है, और महिलाओं के लिए क्या चाहती है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स?
स्वास्थ्य से स्वास्थ्य का बजट बढ़े आप बताइए मैडम। हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य की जो सेवा है ना, तो हर जगह सभी जो बड़ा है छोटा है सबके लिए ना स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। तो उस पे आपको लगता है कि उसका बजट बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए और अच्छा से स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए सबको। आप क्या चाहते हैं? मैं संध्या चंगेल, मैं चाहती हूँ गैस का रेट तो कम, सब लोग महिलाएं चाहती है कि कम हो, लेकिन मैं एक और भी एक चीज चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में आईटी कंपनी के कुछ कोई भी साधन नहीं। बच्चे लोगों को यहाँ शिक्षा के बाद सब बाहर जाना पड़ता है, बच्चे लोग अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मोदी जी से ये विनती करती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी आईटी कंपनी के कुछ प्लेटफॉर्म खड़े करे जाए ताकि सब बच्चों को यहाँ पे जॉब मिले, बाहर जाना मत पड़े। धन्यवाद। मतलब बेरोजगारी अभी कम हो सके ऐसा संसाधन जो है वो जुटाया जाए। हाँ, यही जुटा रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए भी। हायर एजुकेशन के लिए जी। इसके अलावा क्या कहेंगे आप गांव क्षेत्रों में, क्या कहेंगे आपको, क्या दिक्कतें होती है जिसको लेकर आपको आंगनबाड़ी तमाम चीजें हैं जिसपे आपको लगता है काम करने की जरूरत है? अन्य क्षेत्र अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं चल रही है जैसे पोषण आहार, गर्भवती महिलाओं को भी पोषण आहार दिया जाता है, तो उन सब चीज़ों की तो उत्तम व्यवस्था है। आप बताइए क्या? जी हाँ, जो बात की दीदी वो सही है कि क्या उम्मीद है आप ये बताइए, आप केंद्र सरकार के और इनकम टैक्स का जो दायरा है उसको लेकर क्या? ऐसे पेट्रोल डीजल की भी बात इसमें आती है तो उसका भी रेट कम होना चाहिए, और सबसे पहले रसोई घर का जो बताई है ना गैस का, सिलेंडर गैस का, वो कम होना चाहिए सबसे पहले। जी आप बताइए। जी बोलिए। मतलब ये है कि आंगनबाड़ी है ना, तो जो गर्भवती माता है उन लोगों को मातृत्व वंदना दिया जाता है ना, तो उन लोगों का भी बिल्कुल बिल्कुल यानी कि वहां कई सारी उम्मीदें और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की ये भी मांग है कि बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, वो ना मुश्किलों का सामना करना पड़े, अगर छत्तीसगढ़ में ही कॉलेज हो तो ज्यादा बेहतर होगा, आईटी कॉलेज की मांग कर रही है महिलाएं। और अब हम सीधे रुख करेंगे सुशील के पास भी चलते हैं, क्योंकि सुशील के पास भी आम जन मौजूद हैं। सुशील आपके पास आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में अलग तरीके की मांग होती है, लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या चाहत है जो इस बार के बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं? बिल्कुल सही बात है, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी बजट को लेकर लोगों में एक उत्साह रहता है। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे बात करिए, आप ये बताइए कि बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? आप जरूरी है बजट आए जिससे कि रोजगार बढ़े, रोजगार लोगों को मिले। और क्या चाहते हैं केंद्र सरकार? केंद्र सरकार भी यही चाहते हैं, जो फालतू लावारिस लोग घूम रहे हैं इनके लिए कुछ रोजगार मिले जिससे कि वो आगे कमा खा सकें। रोजगार की जरूरत है, रोजगार। आप ये बताइए कि जो सरकार का बजट आने वाला केंद्र सरकार का, क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए तो बेटर रोजगार, युवा बेरोजगार होते हैं, रोजगार के लिए बच्चों को शिक्षा नीति भी नई लागू की है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सब अच्छी बात है केंद्र सरकार ने कि युवाओं के लिए अच्छा पद मिला और युवा भी यही उम्मीद है रोजगार सकते हैं। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में युवाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा है बजट को लेकर वो यही है कि सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, क्योंकि बिल्कुल रोजगार एक बड़ा मुद्दा हर बार रहता है और हर बार युवाओं को इससे कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन एक साल के बाद फिर वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। प्रवीण के पास चलते हैं हरदा से। प्रवीण, किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या कुछ मांग है पब्लिक की? जी हरदा जो है पूरे प्रदेश में मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है, कृषक यहाँ पर बड़ी संख्या में निवास करते हैं और ये खेती के मामले में यहाँ पर जो है हरदा को पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो किसान हैं उनकी जो है मोदी सरकार जो कल बजट पेश कर रही है उससे उम्मीद है। अभी हमारे साथ यहाँ पर हम हरदा मंडी में खड़े हैं, यहाँ किसान मौजूद हैं, हम जानते हैं क्या आपकी उम्मीदें हैं यहाँ पर मोदी सरकार से। मैं अशोक गुर्जर हूँ और ग्राम छिदगांव तमोली से हूँ। यहाँ पर मोदी सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन आने वाले कल में जैसे हरदा जिले में मुख्यतः बिजली का संकट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है किसान को चाहिए बिजली, पानी और सड़क। तो पानी का नहरें तीन बार छूटती है, लेकिन बिजली के लिए सोलर ऊर्जा में जितने पंप कनेक्शन हैं उसकी वेटिंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं तो लगा चुका हूं, लेकिन मेरे गांव में और भी किसान हैं जो लगाना चाहते हैं, तो सोलर पंप में एक तो जो टारगेट है वो बड़े किए जाए मध्य प्रदेश के, और दूसरे जो कुसुम योजना है उसमें प्रशासनिक अमले का जो मामला है वो आगे पीछे होता है, वो किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है, उसको क्रियान्वयन करना चाहिए और प्रत्येक जिले में टारगेट देना चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम वो कुसुम योजना दो दो चार चार
मेगावाट की हो, सब स्टेशन जो होता है वहां पर सब स्टेशन पर अगर प्रत्येक सब स्टेशन पे एक एक दो दो मेगावाट का अगर प्लांट लग जाए तो 24 घंटे किसान को बिजली मिल जाएगी। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा किसान भी मौजूद हैं, आप यहाँ पर क्यों आए, आपका नाम बताइए, क्या बेचने आए यहाँ पर? जीतन सर, मक्का बेचने आया। हाँ, तो कल सरकार का बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं आप? किसान भाव बढ़ना चाहिए, बिजली बिल का भाव कम होना चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी किसान मौजूद हैं, आप कहाँ के किसान हैं बता? मेरा नाम अंकित जाट है, मैं ग्राम अफगाव खुद का किसान हूँ। मुझे बजट से इतनी उम्मीद है कि किसानों के जो कृषि उपकरण है उस पर विशेष करके छूट मिलनी चाहिए, साथ ही किसान सम्मान निधि को डबल करना चाहिए, और जो भी बैंक से कृषि योग्य ऋण लेते हैं उस पर विशेष छूट देनी चाहिए सरकार। आप भी किसान हैं, कहाँ के किसान हैं? सर, मैं ग्राम कुंडगांव खुर्दे का किसान हूँ, जिला देवास से आया हूँ। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से हम ये आशा करते हैं कि फसल का भाव बढ़े, क्योंकि बहुत सारी दवाएं महंगी है, बहुत सारा महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि फसल के सभी भाव बढ़े। इसके बाद में किसान का फसल से छोड़ के एक बिजनेस दूध का है, जो हर किसान मतलब दो भैंस चार भैंस रख के और अपना बिजनेस बढ़ा सके, इसलिए फेट में बढ़ोतरी किया जा, जैसे 7 रुपया फेट है तो कम से कम 10 रुपया फेट होना चाहिए, क्योंकि किसान जब दूध लेके जाएगा तो डेयरी पे 6 फेट ही आते हैं मतलब, तो इसमें दूध का भाव भी बढ़ना चाहिए। और भी किसान मौजूद हैं, क्या चाहते हैं आप? भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि जैसे मक्का की खेती, इसको समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए, क्योंकि किसान का इसमें दोहन हो रहा है, 1000 रुपये तक भी बिकी है ना, उसका समर्थन मूल्य सरकार ने 2250 रुपये दे रखा है, मगर वो मंडी में 1700-1600 बिल्कुल, यानी कि मक्का की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ उसको समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग किसानों की है। साथ ही हमने ये भी सुना कि उनको फसलों के दाम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन जो लोग करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उसमें भी उनको रेट में कमी लगती है। और अब चलिए रुक करेंगे हम रायपुर का। रायपुर में युगल तिवारी भी इस वक्त मौजूद हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करिए युगल, और जानिए कि आगामी जो बजट, जो कल बजट पेश होने जा रहा है, उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन जैसे हम देख पाते हैं कि कर बहुत ज्यादा लोगों को लगने लगता है, कई बार 7 लाख से 8 लाख बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जो समय जो सीमा होती है कर की। जी बिल्कुल, देखिए जो देश के किसान हैं और व्यापारी हैं, अर्थव्यवस्था के रीढ़ इन्हें कहा जाता है, हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर के। देखिए, जो कल केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, उस बजट इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते होंगे, ज्यादा उसमें नहीं देते होंगे, फिर भी हम व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से हम डिमांड करना चाहेंगे कि जैसे इसमें जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी चूंकि इस बजट में नहीं आता है, तो मैं चाहूंगा कि इनकम टैक्स के मुद्दे पर अगर मैं बोलूं कि इनकम टैक्स में जो वर्तमान में लेन देन के लिए जो गवर्नमेंट का जो 10,000 रुपये का है, आज ये पुराना नियम है काफी, आज की तारीखों में चीजें जो महंगी हो गई हैं, तो कोई भी चीजें मैं ले तो काफी महंगे दर पे मिलती हैं, तो उस हिसाब से जो कैश लेन देन का जो है 2 लाख रुपए का उसका एक लिमिट होनी चाहिए कि कोई भी व्यापारिक लेन देन 2 लाख रुपए का होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट चाह रही है कि डिजिटल लेन देन हो, डिजिटल लेन देन चाह रही है, बहुत अच्छी चीज है, डिजिटल होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है, कैश में तो आप बैंकों में जो है ना कैश हैंडलिंग चार्जेस वगैरह ले रहे हैं, लेकिन डिजिटल आप कार्ड स्वैप करते हैं तो उस पर 1% 2% का चार्जेस लिया जाता है। जब अगर इतना चार्जेस लिया जाएगा तो कोई भी आदमी अपना 1% 2% चार्जेस से बचने की कोशिश करेगा और वो बोलेगा कि मैं कैश में ही लेन देन करूं। जी बिल्कुल, एक मिनट है, आप वायदा बाजार की बात कर रहे थे किसानों के हित के लिए। जी हाँ, मैं चाहूंगा किसानों के लिए जो रहता है कृषि जींस, जो भी कृषि के जींस रहते हैं, उसको वायदा बाजार से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। इससे क्या होता है, किसानों का शोषण होता है और साथ ही व्यापारियों पे इल्जाम लगते हैं, और मेन कारण है महंगाई बढ़ना। जो महंगाई बढ़ती है, वायदा बाजार कारण महंगाई बढ़ती है। जी बिल्कुल, आप भी आएंगे हम। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र के बढ़ावा का बात कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है रायपुर में, क्या उसके विस्तार भी होने चाहिए? देखिए, किसी भी प्रदेश की उन्नति का सबसे बड़ा जो राज होता है वो होता है वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, इनको विकसित करना चाहिए। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा बहुत समय से हो रखी है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है, और प्रदेश की उन्नति जो है वो व्यापार से बढ़ेगी। आज अगर अपन बात करें अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होने से, वहां के व्यापार में एक अलग ही गति का मतलब जो है हम लोगों ने मतलब वहां पे देखा है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ भी जो है हमारे पर्यटन से सराबोर है, यहाँ पर भी ऐसे कई सारे स्थल हैं जिनको
इस तरह से मतलब अगर हम अच्छा करते हैं तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रेल मार्ग अच्छा होगा, वायु मार्ग अच्छा होगा, सड़क मार्ग अच्छे होने से पर्यटन आएंगे और देश मतलब देश का जो एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़, इसकी उन्नति अपने आप में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सीनियर व्यापारी हैं, वरिष्ठ व्यापारी, क्या चाहते हैं आप? हम तो सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि व्यापार में सरलीकरण हो, जो टैक्सेज हैं उसमें सरलता हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए जिसमें व्यापारी परेशान होता रहे। जितना ज्यादा सरलीकरण होगा उतना ज्यादा जो है व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो प्रदेश की उन्नति होगी। जाहिर सी बात है, बहुत सही कहा, बहुत सीनियर हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर किसी भी तरीके की कोई खुशखबरी मिलती कल होने वाले बजट में। एक बार फिर से ममता का रुख करेंगे। ममता, किसान और महिला बहुत फोकस में है इस बार के बजट में, ऐसी जानकारी है, और साथ ही महिलाएं हो भी क्यों ना, बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर बार के इलेक्शन में हम देख पाते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, पहुंचती हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़कर आ रही हैं। तो महिलाओं की प्रमुख मांगे तो हमने सुनी ही, साथ ही महिलाएं जो कि कामकाजी महिलाएं हैं, जो कि व्यापार भी करती हैं या यूं कहें कि कोई बिजनेस करती हैं, उस लिहाज से भी बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो आर्थिक जो सशक्तिकरण है वो काफ़ी ज़रूरी है महिलाओं के लिए, और तमाम चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी भी है, बहुत समाज की एक व्यवस्था मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है, और जहाँ पर महिलाएं मजबूत होती हैं वहाँ पर समाज भी मजबूत होता है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से हम बात करते हैं कि देखिए घर का तो ठीक है कि आपने बोला कि जो घरेलू जो महिलाएं हैं उनकी भी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस करती हैं जो बाहर जाती हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? मैडम, इस पर तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि मोदी जी ने आरक्षण तय किया 33%, तो ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो इसमें हर वर्ग की महिलाएं आ जाती है, चाहे वो घरेलू हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो जो है वो जल्दी लागू अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। वो बहुत जल्द लागू हो वो, ये आप चाहते हैं? हाँ जी जी। और क्या चाहेंगे और महिलाओं की मजबूती के लिए? महिलाओं की मजबूती के लिए जैसे कि बाहर निकल रहे हैं महिलाएं हाँ। तो उसके लिए सेफ्टी जरूरी है हाँ। उसके लिए कुछ है, और अभी तक कॉल सेंटर में भी उसका दिया हुआ है 180 लिखा हुआ है हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ, क्योंकि उनका हर समय उसको मिल सके सुविधा की, जैसे उसको कहीं पे दिख रहा है कि मैं हाँ। जगह होती है वहाँ पर भी, लेकिन दूसरे लोग बैठ जाते हैं हाँ हाँ, और भी जगहों पे जो है आपको लगता है कि आरक्षित जगह मिलना चाहिए, गोपनीयता की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी जी। और अगर हम बात करें तो और किस तरह से आप चाहती है कि महिलाओं को और क्या क्या चीज सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए बजट में? बस जो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो अलग संसाधन बढ़ाने चाहिए आपको लगता है अलग अलग क्षेत्र में? हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन महिलाओं के लिए बढ़ाना चाहिए हाँ। महिलाओं को कामकाजी जो महिलाएं हैं या जो बाहर जो एजुकेटेड जो लड़कियां हैं वो है, तो उनके लगता है आपको उनके रोजगार के लिए भी आपको लगता है कि संसाधन रोजगार के लिए भी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए जी जी जी। बस में भी वो सुरक्षित नहीं है, स्वसहायता समूह वगैरह की मजबूती के लिए बिल्कुल, यानी कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा का खास ख्याल है कि हाँ, सुरक्षा के मद्देनजर कुछ जरूर कदम उठाए जाने चाहिए। और जाहिर सी बात है कि तो बजट आने वाला है तो बजट से महिलाओं की उम्मीदें तो नहीं, अपार अपेक्षाएं अपार संभावनाओं में बदल सकती है। ममता, अब देखना है कि कल का आने वाला बजट क्या कुछ लेकर आता है सभी के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।